डॉक्टर सुमन सिंह, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। हम आपको पुस्तकालय एवं प्रबंधन के सामान्य एवं शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में बताएंगे, और जो कि MLIS 102 इकाई 1 प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत एवं वैज्ञानिक सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट। MLIS 02 में ग्रंथालय प्रबंधन, सूचना केंद्रों का प्रबंधन, प्रबंधन के समान सिद्धांत, उद्देश्य, हम किस लिए प्रबंधन करते हैं, उसके लिए यह आवश्यक है कि हम सामान्य प्रबंधन करें और विशेष प्रबंधन भी करते हैं, जिससे कि प्रबंधन के विचार एवं महत्व को अवगत करेंगे। उद्देश्य, पूर्ण प्रबंधन की व्याख्या के साथ ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों में इसके अनुप्रयोग। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक प्रबंधन की व्याख्या के साथ साथ ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों में इसके अनुप्रयोग। ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों के प्रबंधन के विभिन्न पक्षों से संबंधित जानकारी को प्रदान करना। प्रबंधन का अर्थ, प्यारे बच्चों, हम प्रबंधन का अर्थ इस प्रकार समझेंगे कि यह एक कला और विज्ञान दोनों है। निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए विभिन्न मानवीय प्रयासों से संबंध रखता है। प्रबंधन एक सामान्यतः जो है नियोजन, समन्वय, निर्देशन, अन्वेषण, नियंत्रण आदि कार्यों को सम्मिलित करते हैं। किसी भी संगठन अथवा ग्रंथालय में अनेक प्रकार के सिद्धांत होते हैं, एक समान उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं तथा संगठित, नियोजन, निर्देशित, समन्वित, नियंत्रित करते हैं। संगठित एवं सामूहिक प्रयासों के लिए उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन के लिए यह प्रक्रिया प्रबंधन कहलाती है। प्रबंधन के अभाव में कोई भी संगठन ठीक उसी प्रकार निरर्थक है और निरंकुश है कि जैसे कि आत्मा के बिना मनुष्य का शरीर होता है। प्रबंधन के ठीक उसी प्रकार संगठन के कर्मचारियों के निर्देशों को संचालित करता है, जिस प्रकार मानव मस्तिष्क शरीर के विभिन्न अंगों को से संबंध होता है और नियंत्रण रखता है। उसी प्रकार प्रबंधन में भी यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसको कैसे समझें और जानें। प्रबंधन की आवश्यकता क्यों हमें पड़ती है? प्रबंधन की आवश्यकता हमें एक प्रक्रिया के अर्थ में भी पड़ती है, विज्ञान के अर्थ में, प्रबंधन से जुड़े हुए अधिकारियों के अर्थ में, अन्य अधिकारियों से कार्य कराने के अर्थ में, निर्देशन के अर्थ में, मनुष्यों के विकास के अर्थ में, सामूहिक प्रयासों की व्यवस्था एवं संदर्भ के रूप में और विधा के रूप में। प्रबंधन की परिभाषा FW टेलर के अनुसार प्रबंधन यह जानने की एक उसे चलाने के लिए सर्वोत्तम एवं सुरक्षित तरीका है। हेराल्ड क्रूज के अनुसार प्रबंधन को परिभाषित करने के लिए उन्होंने कहा कि प्रबंधन औपचारिक एवं संगठित रूप से समूह के साथ एवं उसके द्वारा कार्य करने की कला है। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन का अर्थ समझने के लिए आदेश की समन्वय करने एवं नियंत्रण करते हुए पूर्व अनुमान लगाने के लिए नियोजन है। मैनेजमेंट इज द फोरकास्ट एंड टू द प्लान टू ऑर्गेनाइज टू द कमांड टू ऑर्डर मेट एंड द कंट्रोल। प्रबंधन की विशेषताएं, प्रबंधन एक प्रक्रिया है, यह सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि यह समाज के विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा संपादित की जाती है। यह उद्देश्य पूर्ण होता है, संगठन की सभी स्तरों पर यह आवश्यक होता है। यह कला एवं विज्ञान दोनों है, सहयोग एवं समन्वय इसके आवश्यकता तत्व हैं, और प्रबंधन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रयासों का नियोजन एवं संगठन, समन्वय तथा संगठित रूप से इसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। प्रबंधन का महत्व, जॉर्ज टेरी के अनुसार कोई भी उपक्रम बिना प्रबंधन के प्रभावी नहीं हो सकता है, और जिससे इसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है तथा सीमा के द्वारा प्रबंधकों का निर्धारित लक्ष्य होता है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दो से या दो से अधिक जब कोई व्यक्ति कार्य करते हैं तो उसे संगठित कहते हैं, और इसका महत्व भी है। प्रबंधन के सिद्धांत में परिवार, क्लब, गिरजाघर, मंदिर, गैर सरकारी संगठन इत्यादि आते हैं, और यह इनका रोल भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रबंधन हर जगह होता है, जैसे शैक्षणिक केंद्रों में, औषधालयों में,
और सैनिक संगठनों में, लघु एवं बृहद संगठनों में और इसके औद्योगिक प्रतिष्ठानों में। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट बेल ने ठीक ही कहा है कि एक सरकार बिना अच्छे प्रबंधन के रेट पर निर्मित मकान के समान है। प्रबंधन के महत्वपूर्ण इसके जो है कारण है, और नीतियों के निर्धारण के लिए, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधन हम क्यों करते हैं। प्रबंधन हम कई कारणों से करते हैं, जिसमें कि हम नीतियों का निर्धारण भी करते हैं और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं, अधिकाधिक लाभ की प्राप्ति के लिए, प्रतिस्पर्धा का सम्मान करने के लिए, और मानव संसाधन का विकास, वैज्ञानिक एवं तकनीकी परिवर्तनों का क्रियान्वयन, श्रम समस्याओं का उचित समाधान, संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण में सहायक, राष्ट्र की समृद्धि एवं विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं स्थिरता, सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। प्रबंधन के स्तर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, संस्था में अनेक प्रकार के स्तर होते हैं। सुविधा एवं कार्य को संपादित दृष्टि से अनेक प्रकार के श्रेणियों में बांटा जा सकता है इसे, जैसे कि शीर्ष प्रबंधन, टॉप मैनेजमेंट। संस्था के शीर्ष प्रबंधन जो संस्था के सफल संचालन एवं प्रबंधन एवं नीति निर्माण के लिए आवश्यक होता है। संस्था के संचालन मंडल प्रबंधन संचालन एवं मुख्य संचालन में आते हैं, जैसे कि योजना बनाना, निर्माण लेना और निर्णय लेना एवं अधिकारियों के साथ संबंध निर्वाह करते हुए इसी तरह किया जाता है। पूरे संगठन के दिशा निर्देश के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला है मध्यस्तरीय प्रबंधन, मिडिल मैनेजमेंट। इसमें संगठन के प्रबंधक, उपप्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक सम्मिलित किए जाते हैं। मध्यस्तरीय प्रबंधन की संगठन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हें शीर्ष प्रबंधन एवं अपने से नीचे क्रियान्वयन प्रबंधन के बीच समन्वय करने का एवं परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्तरदायित्व होता है। साधारणता प्रबंधन को तीन प्रकार के कौशल से ही ज्ञान को कार्य करने में किया जाता है। प्रबंधन के तीन प्रकार के कौशल की अपेक्षा की जाती है, तकनीकी कौशल, मानव कौशल, वैचारिक कौशल। तकनीकी कौशल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्यवेक्षण के लिए किया जाता है। प्रबंधन का कार्य, हेनरी फयोल ने प्रबंधन के पांच कार्य बताए हैं, नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं समन्वय। न्यूमैन एंड समर ने चार प्रकार के को बताया है, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण की पहचान की है। लूथर गुलिक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रबंधक एवं वैज्ञानिक थे, और एल इरविक के साथ प्रबंधिक कार्यों को निर्धारित किया था। पोस्ट कोर शब्द समकक्ष में इन कार्यों को स्मृति में रखने के लिए किया जाता है। पोस्ट कोर शब्द में प्रत्येक अक्षर अलग अलग कार्य, नियोजन, संगठन, कर्मचारी व्यवस्था, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन एवं बजट प्रस्तुतिकरण प्रदर्शित है। नंबर एक, नियोजन। किसी भी कार्य को सुचारू रूप को करने के लिए पूर्व में निर्धारित योजनाबद्ध तरीके से करना श्रेयकर होता है, और नियोजन की चार महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। नंबर एक, योजना का उद्देश्य जो संगठन के संग्रह उद्देश्य एवं लक्ष्यों को निर्धारित करता है। नियोजन प्रबंधन का प्रथम कार्य को चरण में कार्य या चरण में उन्हें अन्य प्रकार के क्रियान्वयन को तार्किक रूप से सहायक है। सभी स्तर के प्रबंधन इसमें सम्मिलित होते हैं। योजना की दक्षता आर्थिक धनराशि में मापी जाती है। योजना विकसित किए जाने के लिए इसे किया जाता है और तार्किक चरण सम्मिलित होते हैं। संगठित करना, संगठनात्मक ढांचे के निर्माण में कि कार्य विभाजन की दृष्टि से संपूर्ण प्रणाली को तैयार किया जाता है और अन्य इकाइयों में विभाजित किया जाता है। इसमें से व्यक्ति को अपने विभाग इकाई में उत्तरदायित्व का योजना सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कि संगठनात्मक ढांचा तैयार करना और निम्न सिद्धांतों का पालन किया जाना आवश्यक है। नंबर एक, किसी भी कार्य को करने के लिए पहले हम मुख्य क्रियाकलापों को परिभाषित करेंगे। प्रत्येक विभाग, उप विभाग एवं इकाई की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना, इन्हें तार्किक आधार समूहीकृत करना,
उत्तरदायित्व के साथ अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रबंधन के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को संख्या उचित एवं तार्किक होनी चाहिए और संगठनात्मक ढांचे का मूल्यांकन संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसमें उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई तरह से योगदान दिया जाना चाहिए। प्रबंधन के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विलियम्स कॉलैंड के अनुसार सिद्धांत का आधारभूत एवं विषय का सामान्य तत्व है जो कि किसी कार्य का विचार एवं प्रदर्शन करने में किया जाता है और इस सिद्धांत को आधारभूत सिद्धांत भी कहते हैं और इसमें अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। व्यवहारिक रूप से विश्लेषण करने से यह समर्पित किया जाता है एवं विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों को हेनरी फोयल ने प्रतिपादित किया था और इन्होंने प्रबंधन के 14 सिद्धांत बताए हैं। नंबर एक, कार्य विभाजन। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसे हम अपने समूह या संगठन में या अपने सहकर्मियों के साथ हम जब कार्य को विभाजित कर देते हैं तो उसे कार्य विभाजन कहा जाता है। अधिकार एवं उत्तरदायित्व, सभी कर्मचारियों को अधिकार एवं उत्तरदायित्व दे दिया जाना चाहिए और अनुशासन की पालन सभी को करना चाहिए। आदेश की एकता, किसी भी अधिकारी के आदेश का पालन होना बहुत ही आवश्यक होता है। निर्देश की एकता, कोई भी निर्देशन अगर किया गया है तो उसे अच्छी तरह से जो है गाइडलाइन को पालन करना चाहिए। सामूहिक हितों के लिए वैयक्तिक हितों का समर्पण करना चाहिए। पारिश्रमिक भी तय करना चाहिए, केंद्रीयकरण करना चाहिए और अधिकारी संपर्क श्रृंखला इसे भी बनाना चाहिए और आदेश करना चाहिए। समता और कर्मचारी के कार्यकाल में स्थिरता, पहला क्षमता, सहयोग की भावना। टेलर के प्रबंधन के सिद्धांत में F.W. टेलर ने कहा कि प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है और प्रबंधन के वैज्ञानिक अधिगम के रूप में विभिन्न प्रकार के नियम हैं जो अनुभव के आधार पर प्रबंधन करना चाहिए और अनुभव के आधार पर नियमों के स्थान पर विज्ञान को भी अनुप्रयोग में लाना चाहिए। अलगाव या मतभेद की तुलना में सामूहिक कार्यों का पालन करना चाहिए और मेल रखना चाहिए और लोगों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। निश्चित परिणाम की उपेक्षा अधिकतम परिणाम के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कर्मचारियों के स्वयं के संगठन की अधिकता समृद्धि के लिए कर्मचारियों की, टेलर ने ये सिद्धांत वर्तमान प्रबंधकों के मौलिक विश्वासों से काफ़ी साम्य रखते हैं और ये सिद्धांत अपने वैज्ञानिक अधिगम के कारण वर्तमान प्रबंधकों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि वैज्ञानिक प्रबंधन, साइंटिफिक मैनेजमेंट, जैसे कि कहा जाता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक F.W. को कहा गया है और उनका मानना था कि प्रबंधन का कार्य भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाए तो उसके लिए परिणाम बहुत ही बेहतर होते हैं और उच्च स्तर के भी होंगे। टेलर के प्रयास से उनके कुछ अनुयायियों ने हेनरी गॉड फ्रेक विलियम और गिलबर्ट एवं हैरी गटन और इमरसन महत्वपूर्ण सहयोगी थे। इन्होंने कहा कि प्रशासन की समस्याओं के साथ आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों एवं प्रविधियों का प्रयोग वैज्ञानिक प्रबंधन है और वैज्ञानिक प्रबंधन में कर्मचारियों एवं प्रबंधन दोनों पक्षों के आधुनिक प्रबंधन को वैज्ञानिक अधिगम प्रदान करने के लिए निम्न विशेषताएं हैं। जैसे कि सारे प्रबंधकीय कार्यों में आर्थिक कुशलता पर ज़्यादा जोर देना और प्रबंधकीय कार्यों में समस्याओं में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना और उसे विश्लेषित करना और विभिन्न स्थितियों में मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहार संबंध में विश्लेषण करना और इस पर आधारित प्रबंधों में मानवीय तत्वों पर गंभीर मनन करना और स्मरण करना, अध्ययन करना और भवन प्रणाली अधिगम प्रबंधन के सभी कार्यों में समान ध्यान देना, विश्लेषण एवं अध्ययन के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग करना, कर्मचारी का चयन वैज्ञानिक आधार पर किया जाना चाहिए, उन्हें उपयुक्त तरीके एवं प्रशिक्षित किया जाना चाहिए,
वैज्ञानिक प्रबंधन समस्याओं के विश्लेषण एवं तार्किक ढांचा प्रदान करता है। इसमें प्रमुख हैं प्रमुख रूप से समस्या का समाधान करना, समस्या का विवरण करना, डेटा एकत्रित करना, डेटा कलेक्शन, डेटा विश्लेषण और विकल्पों का विकास करना एक बेहतर विकल्प है। किसी भी चयन सम्मिलित होकर के और टेलर का विश्वास था कि वैज्ञानिक विधियों का अनुपालन कार्यों के संपादन का बेहतर एवं प्रभावी तरीका होगा। प्रबंधन के लाभ, कोई भी हम जब प्रबंधन करते हैं तो उसे क्या लाभ हैं, हानियां हैं। जैसे कि वैज्ञानिक प्रबंधन के लाभ निम्न प्रकार हैं। यह कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं विकास पर जोर देता है और इसमें अधिकतम गुणवत्ता की प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट, ये संगठन के विभिन्न कार्यों में उच्च स्तरीय तकनीक के अनुपालन में वकालत करता है और वैज्ञानिक प्रबंधन से अधिकतम उत्पादन परिणाम एवं कुशलता संभव है। वैज्ञानिक प्रबंधन कर्मचारियों को वित्तीय लाभ प्रदान करने की उसकी उत्पादक क्षमता की विकसित करता है। हानि, कर्मचारियों की उत्पादकता कम रहती है और जब हम किसी भी चीज़ में मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो उसमें जो है यह हमें हानियां उठानी पड़ती हैं। कर्मचारियों की उत्पादकता कम रहती है और तैयार माल की गुणवत्ता का नियंत्रण प्रमाण भी नहीं होता है और सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसके अभाव में हम गुणवत्ता को नहीं संवार सकते और उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण के अभाव में कर्मचारी का अपनी भूमिका निर्वाह करना अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंधन को जब हम करेंगे तो कई सिद्धांतों का हमें समावेश करना पड़ेगा, जैसे कि कार्य को विश्लेषण करके और दूसरा श्रम विभाजन करके कार्य प्रविधि को हम अपना कर और अधिकतम लाभ करके और प्रोत्साहन पारिश्रमिक प्रणाली को अपना करके और पूर्वा समन्वयक या तालमेल करना। सातवां है प्रमाणीकरण। ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों में प्रबंधन के वैज्ञानिक एवं प्रबंधन का अनुप्रयोग। ग्रंथालय और सूचना केंद्रों में जब हम प्रबंधन करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और हम किस तरह से उसका अनुप्रयोग और प्रयोग करते हैं। जैसा कि प्रबंधन की वैज्ञानिक अवधारणा का विस्तार 1960 के मध्य देखने को मिलता है और जब ग्रंथालय में कंप्यूटर प्रणाली विश्लेषण के उपयोग किए गए थे तो पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों में निम्न क्षेत्रों में इसे विशेष उपयोगी माना गया है। जैसे कि लागत निर्माण करना, यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग करना, सूचीकरण करना और ग्रंथालय के ऐसे कार्य जिसमें अधिक धनराशि का प्रयोग होता है और वह होती है जैसे कि एक बड़ा पुस्तकालय में संदर्भ सेवा करना और कार्य लागतकरण लेखाकरण आदि। पुस्तकालय में तीव्र गति से उपकरणों का प्रयोग हो रहा है और जैसे अधिकरण करना एवं तकनीकी अनुभाग के मध्य भौतिक सत्यापन करना, स्टॉक वेरिफिकेशन करना और भौतिक व्यवस्थापन करना, सार्वजनिक सूची बनाना और संदर्भ अनुभाग एवं परिचालन अनुभाग, वित्तीय प्रबंधन आदि। यह ग्रंथालय के दैनिक कार्यों के संपादन की कुशलता को बढ़ाता है और सभी कार्यों विधियों एवं उपकरणों का मानकीकरण होता है जिससे कि ग्रंथालय एवं कार्य एवं पाठक दोनों सुविधा में रहते हैं और इससे उन्हें सुविधा प्राप्त होती है। धन्यवाद।